वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है एबीपी सांझा की खास धार्मिक पेशकश प्रोग्राम सांझा नूर दे विच। आओ सरवण करते हैं जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक पातशाह के प्रकाश नूं समर्पित लड़ीवार कथा कौम के महान प्रचारक भाई पिंदरपाल सिंह जी पासों। साडे इतिहास ने बड़ी प्यारी घटना लिखी आगमन की। दौलतां दाई किसी घर भी बच्चा जन्म लेना हुंदा सी, पिंडां भी तुहानू पता है दाइयां पहला ही महीना सवा महीना पहला चले जाना, वह फेरा पांदियां सन उस औरत की सेहत याबी ले भी घुटना नपना। ये दौलतां दाई रोज आउंदी है, पर जिस वक्त महाराज जी का आगमन होना है दो दिन पहला इसने शब्द कहे सन बाबा कालू जी नूं, वे मैत्या मैता कास्ट नहीं मैता भी एक पदवी है, याद रखियो है नो तीन बेदियन की कुल विखे है, पर उत्थे शब्द वर्दी वे मैं त्या तेनू अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं छड़ी। जे अल्लाह रब वो मुसलमान सी ना, तेनू खुदा पुत्र दी दात देंदा है, स्याल आउंदा पे मैनू चार मन दाने दे दी। ते सानू पिंडां वालियां नू पता है जेठ च आपां आड़तियां नू वेचदे सां ते पोच दाने मुकदे से पड़ोलियां तो उन्हां तों दुबारा खरीद के लाउंदे सां। अक्सर पिंडां ज्यादा हाल हुंदा रहे साडा हुंदा रहा जी, पता नहीं किसे होर दा। आड़ती नू पहला दे के आउणे ते दूणे रेट ते छियां महीनियां बाद फिर लै के आउणे, दाने मुक जाणे। जदों उही दाने साडे घर आउंदे सन ते उह महंगे दिंदा सी, उह उहने कहा भी स्याल आ गया दाने घर च नहीं, मेरे तन ते ढकण वास्ते कपड़े नहीं, मेरे बच्चों लई रोजी नहीं। कहिंदी जे अल्लाह ने पुत्र दिता मैनू बस्तर चार मण दाने, तेरी मर्जी होवे ते चार टके दे दी, सियाल सौखा निकल जाएगा। जदों महाराज जी का आगमन होया सचमुच जे ये एवें गल बना के नहीं, हकीकत एवें मैं तां कह रहा, पिछले सालां च इत्थे कह के गया सां, आप नूं पता होवे नौ गुरु साहिबाना दस गुरु साहिबाना चो नौ गुरु साहिबाना दे असीं तीन तीन दिन मनाने आ, बाबे नानक दे सिर्फ दो मनाने आ, कदी तीजा नहीं मनाया। ते मनीचना भी नहीं, वह है ही नहीं, वह किवें गुरु अंगद देव तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक नौ पातशाहियां दे मेन तीन दिन उंज सब तो ज्यादा दिन सिख गुरु हरगोबिंद साहिब दे मनांदे ने, सब तो ज्यादा दस पातशाहियां च तीन दिन तो मेन ने नौ पातशाहियां दे आगमन पहला दिन। ये तिने अरदासां मंदिर च हर पातशाह दी आउंदियां ने। दूजा गुरगद्दी वाला दिन, तीसरा महाराज जी का ज्योति जोत समाउण दिन गुरु अंगद साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक। पर गुरु नानक साहब दे सिर्फ दो ने, एक गुरु नानक साहब का आगमन मनाया जाता है, दूसरा गुरु नानक साहब का ज्योति जोत मनाया जाता है। अज तक किसी गुरुद्वारे विच गुरु नानक साहब का गुरगद्दी दिन नहीं मनाया गया। कदी हरिमंदर साहब च गुरगद्दी की अरदास नहीं होती। मैं तां कहा भी इस गल नूं चेते च रखियो कि गुरु नानक साहब की क्यों नहीं अरदास हुंदी गुरगद्दी की, क्योंकि गुरु नानक साहब इस मृत मंडल च आ के गुरु नहीं बने, सचमुचो जन्म तो रब दे घरों सत्कारे हुए गुरु बन के आए आ, इस करके उन्हां दा कदी गुरगद्दी दे नहीं मनांदे। गुरु नानक साहब धुर दरगाह तो गुरु बन के आए, इसे करके भाई साहब ने शब्द वरते गुरदास ने, भाई गुरदास साहब महाराज जी ने, वह कहिंदे ने कि सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग, नानक ने कहा शब्द गुरु लाया, गुर नानक जग माहे पठाया। हालां वो बाबा लहणा जी बारे कहिंदे लैणे पाई नानको देनी अमरदास कराई, वो गुरु हरगोबिंद साहब बारे कहिंदे अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गुरगोबिंद सवारी, पर गुरु नानक साहब बारे कहिंदे कि सतगुर नानक प्रगटिया, कल तारन गुरु नानक आया गुरमुख कल विच प्रगट होवा। इहदा मतलब इह शब्दावली जिहड़ी इह सानूं इशारा कर रही है कि सिखो गुरु नानक साहब धुर दरगाह तो ही गुरु बन के आए। ते इह भी सच, आप नारायण कला धार जग में परवरियो जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो। भाई साहब तक शब्द वरदिया निरंकार आकार, जिहदा आकार कोई नहीं, सतगुर नानक देओ है निरंकार आकार बनाया, निराकार ने जिहड़ा आकार बनाया उस आकार का नाम गुरु नानक साहब। मैं थोड़ी जी तुहानूं इस करके बाबा जी क्यों तुसीं लिखिया सी, मैं तां
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਦਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਚੰਦ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਾਰਦਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਦਾਵਾ ਮਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ ਨਾ ਅੰਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ, ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ, ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੰਤ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸਿਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਖਿਆ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚ ਸਵਈਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ। ਪਰਸਿਆ ਪਰਸਿਓ ਦੋਵਰੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਸਦਰ ਤੇ ਛੂਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ, ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਓ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਖਾਓ, ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਪੇਖਣਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਪੇਖਿਆ ਜਨਮ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਪੇਖਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਮੈਲੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਵੇ ਮਹਿਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ।
रो पई। जदों रोई वह शंकित हो गए भी वधाई भी देंदी रोंदी क्यों पई है। कहन लगे तू रो क्यों रही है, तेरिया अखां च पानी क्यों, ठीक तृप्ता ठीक पुछया शब्द। कहन लगे बस अल्लाह की मेहर। उस वक्त बाबा कालू साहब ने कहिंदिया साडा इतिहास कहिंदा प्लेट शब्द वरतो, थोड़ा जा भांडा शब्द वरता, उहदे च मोती कुछ सोने दीआं मोहरां रखियां। कहन लगे लै दौलतां तू वधाई दित्ती असीं तैनू देने पए आ, झोली कर। मैं इतिहास च पढ़िया दौलतां दाई ने हथ ला के क्या रहण देवे मैं त्या, मैं तां बहुत रज्जी। शब्द सुने रहण देवे मैं त्या, मैं तां बहुत रज्जी। बाबा कालू साहब साहब समझदे ने शायद ये लालच कर रही है, इहनूं थोड़ा लग रहा है। जदों क्या मैं बहुत रज्जी। कहन लगे तैनूं दाने भी मिलणगे, कपड़े भी मिलणगे, पैसे भी मिलणगे, तू नाराज है। वह कहिंदी नाराज नहीं, तेरे तो पहला तेरे पुत्र ने मेरियां झोलियां भर दित्तियां। यह शब्द सुने झोलियां भरिया। वह कहिंदा मैं समझिया नहीं। कहिंदी सच मैं तैनूं दसां, मेरे हत्थां ने अनेकां बच्चियां नूं जन्म दवाया, हर बच्चा रोंदा जन्म लैंदा है, तेरा पुत्र रोया नहीं मुस्कराया है। सच्ची मुची दूजी गल पता नहीं जदों मैं स्पर्श किया मेरे कन्ना च एक आवाज पई है। जन्म साखी वाला कहिंदा आवाज सी धन रंकार, यह शब्द वरतिया। इहदा मतलब शब्द सुनाई दिता। कहिंदी है असल च मेरे कन्ना च आवाज पई, मैं नाम दी दौलतां सां घर घर जा के मंगदी सां, पर सच ए वे कालू तेरे पुत्र दी पहली तकनी ने मैनू सच्ची मुची दौलतां बना दिता। मेरा दिल ही नहीं करता असोना वेखण वास्ते, मैनू वह कोई दे दिता जिहदी कीमत कोई नहीं। याद रखियो ये पहली छू सी मेरे गुरु नानक साहब दी। महाराज इस सारी धरती ते विचरे आ, उंज मैं बेनती करा साडे सज्जन ना जी, मैनू पता नक्शे बनाए कि मेरे कोल भी आया भी असी ना रोज ए सारी गिनती करने पे किन्ने मील रोज तुरे। महाराज मैं सुनी गया, मैं कहा भी ये तो बना लोगे पर इहदा की अर्थ करोगे सुल्तानपुर। बाबा देखिया ध्यान तर जलती सब ब्रिथमी देसाई, मैं वो फिजिकल तो है ही नहीं, ध्यान तर बाबा सुल्तानपुर बैठा। बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जितो तकाही। याद रखो फिजिकल सफर नू रूहानियत नाल ना जोड़ के देखो। फिजिकल बाबा फर्श ते बैठे, सुरत करके बाबा सच खंड दा निवासी है। तिथा खंड मंडल वर पांड बैठे ता जमीन ते ने। इस धरती ते तीन थावां ने जिथे बचपन जवानी ते बुढ़ेपा बाबा जी ने कढ़िया। चलो लफज मैं बुढ़ेपा वरतना पिया, मेरा गुरु ना हुंदा ना जांदा है, वह सदीव अकाल पुरख है। बचपन ते किशोर अवस्था तलवंडी च कढ़ी, जवानी दे दिन कोई समा सुल्तानपुर कढ़े, अंतला समा बाबे ने करतारपुर 18 साल हल पाया। तीन थावां ती बहुत वड्डी सिखी। बचपन च दसदा बाबा मेरा गुरु के वैद नूं उस्ताद नूं परिवार नूं संसार नूं किवें सच दी चेट कलानी है। सुल्तानपुर विच आवाज आउंदी है ना को हिंदू ना मुसलमान, करतारपुर जिन्ना दिना च आश्रम हिंदू लोग सच्ची मुची सन्यासी बनते आ, बाबे ने सन्यास छड़ के कपड़े ग्रिस्तियां वाले पा के 18 साल हल वाया किरत कीती। मैं जड़ी बेनती कर लगा गुरु नानक साहब, कुछ बेनतियां मैं आप नू आसा की वार चो कर लिया। असी क्योंकि जदों साहबजादियां दी गल करनी सानू पिछोकड़ जाना पएगा। गुरु साहब दे बारे बाणी च भाई साहब ने शब्द वरते है कि गुरु नानक साहब नू पठाया है, ते बाबर बारे शब्द वरते है बाबर ताया है। ये लफज दो पढ़ने असी, बाबर बारे गुरु नानक साहब ने वरते है कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, जे इहदे जिहड़े पहले शब्द ने खास करके चार शब्दों में जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै ताया है। चेते रखियो ताड़वियां नू जे किसे ने नत पाई ते बाबे क्या ने पाई है।
धावा शब्द इथे अबदाली धाड़वी आया, इथे नादर धाड़वी आया। सची मुची जे धाव्या वालिया किसी ने नत पाई है तो पठाया होया ने पाई है। ये शब्द बाबा जी ने कहा कि पाप की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। पर गुरु नानक साहब बारे भाई साहब कहते सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। यही कारण गुरु नानक साहब ते सारे पातशाह गुरु की जोत है। मैं कि पटना साहब सा मेरे नाल मेरा भरा सी चाचे का पुत, मैं कथा करके हटिया, उन्हें गल कही कहिंदा मैनूं एक गल दसो, बाल चोज जिन्ने गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह दे ने होर पातशाह दे ने नहीं मिलते, इसलिए ते ना जी। नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह मेरे मन च जो आया पातशाह सारिया तुर दरगाह तो निवाजिया ने, पर विशेष करके पठाए। भाई साहब इतने लिखते हैं गुरु नानक जग माए पठाया, ते गुरु गोबिंद सिंह जी शब्द कहिंदे आ खम ए जा काज जगत मो आए धर्म हेत गुरदेव पठाए, सानू स्पैशल भेजा है। हुण सुनियो, एक ताया है एक पठाया है, दोनों आ गए। सची मुची बाबा आया है राय पोए दी तलवंडी, बाबर आया है अहमदाबाद पहुंचद, पहली टक्कर पठाए हुए दी ते ताए हुए दी। आप कहोगे जी आप साहबजादिया आना, पर मैं शुरू गुरु नानक साहब तो करा। ताया होया ते पठाया होया, पहली टक्कर इन्हों की अहमदाबाद हुई है। जेड़ा ताया उन्होंने उन्हें लोगों को के मारिया। आप सारे पाठ कर दो, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर खुंदियां हुन बैन ना मिल खदूर। बाबा जी ने इथों तक शब्द वरत्या कि बाबर दे सिपाही आप मुगल जमदूत बन के आया है, ये सिपाही खलके कुत्ते ने, इन्हें लोगों नू इस तरह पार सुटिया, रत्ना वर्गे शरीर चिनी चिनी कर दिते। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। उहदे विच इक तोक है रतन वगाड़ वगोए कुत्ती मोया सार ना काई, रतना वर्गे शरीर को सुटे। मैं एक बेनती करा, जे तुसी आपली तां बाणी है, मैं कई वारी कहना हिंदुस्तान वासियो गुरु नानक दी कलम ने, गुरु नानक दी आवाज ने कहा कि रतन वगाड़ वगोए कुत्ती मोया सार ना काई। जे उन्हें कलम नाल ते बोल नाल क्या, इसे तरह दसवें नानक ने जफरनामा कलम नाल लिख के दोबारा शीशा विखा दिता, बाबर क्यों तुहाडी असलियत की है। जफरनामा मारे लिखदा ना इमाम प्रस्ती ना ओजाए दी, ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकी। दसवां नानक ये शब्द लिख रहे ने, पाप की जंज दे लाड़े ने, याद रखियो। महाराज ने शब्द वरते, गुरु नानक साहब की पहली टक्कर बाबे क्या ते बाबर क्या दी अहमदाबाद हुई। बाबे ने दो शब्द वरते, एक जमदूत ते दूजा रतन वगाड़ वगोए कुत्ती। हुण कई वारी साडे सज्जन कहिंदे बाबा जी का वेला बड़ा चंगा होना, मैं कहना आ दो शब्द होने वीर हरिमंदर साहब पढ़ी जाते हो, राजे शी मुकदम कुत्ते, इहदा मतलब वह बीमारी अजे भी तुरी आउंदी है। जे सारे ठीक होंगे आप कहते हूं तो शब्द की लोड़ ही कोई नहीं, राजेशी मुकदम कुत्ते। जेड़ा औगण है ये गुण दे नाल सफर करता रहेगा, पाप ते पुन कट्ठे चलणगे। अज साहबजादे नूं तुसी चेते कर रहे हो, साहबजादे का अर्थ हुंदा है पातशाह का बेटा, पातशाह दे बेटो। ये इस्लाम च शब्द है साहबजादा, मेरा ख्याल है सानू नहीं वरतना चाहिए। साढ़े बंदे कई ना जी आ मेरे दो साहबजादे ने, नहीं प्यारे सिर्फ साहबजादे चार ने। राम राय भी तो गुरु हर राय साहब का पुत्र है, साहबजादा कभी कहा? सूरजमल आप कभी कहने? बाबा मोहरी जी का नाम कभी साहब साहबजादे? मैं बेनती करांगा जदों शब्द आवे सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह दे चार लाला वास्ते ही वरतीए। इन्हीं असी बे साहबजादे मेरे साहबजादे नहीं, नहीं नहीं याद रखियो। मैं कई बार सुनना साडे पिंडां च भी ये मेरे दो साहबजादे ने, वह कहना चाहता मेरे पुत्र ने, याद रखियो पातशाह साहबजादे होंगे ने
साडा पातशाह केवल गुरु गोबिंद सिंह दा शरीक कोई नहीं हो सकता। इस करके शब्द नूं मैं एक दो होर तुहानूं बेनतियां करा, मेरा विशा नहीं। आम तौर पर साडे ढाडी सिंह असीं वी ना जी एक शब्द वरतने जी, गुरु साहब ने कहा बचित्र सिंह नूं कर मुकाबला नाग नहीं पकड़ी, उहने बीड़ा चुकिया। इह कहिंदे वी फलाणे ने मारे ने क्या उहने बीड़ा चुक लिया। ओ गुरमुखो इह सिखां लई ना शब्द वरतिओ। बीड़ा की हुंदा सी मुगल हुकूमत सी जी कि जदों किसी ने कोई काम अड़ जाना बाहर मुखी ते नंगी तलवार थाली उत्ते रख के उहदे विच पान तंबाकू सफारी पा के बीड़ा पान दा बना के लियांदे सन। वह कहिंदा सी मूंह च पा के कहिंदा सी इह काम मैं करांगा, सिख बीड़े थोड़ा मूंह च पाउंदा हुंदा। पर शब्दावली वरती जाने सिखां ने बीड़ा चुक लिया फलाने ने। वेखो शब्द वाचन वाले हुण जिवें मैं एक बार सुनिया खान बहादुर जकरिया खान, खान बहादुर जकरिया खान, मेरी बेनती है उन्हूं कला जकरिया कहो, खान बहादुर नूं खिताब मिलिया सी सिखां दे सिर वड वड के। इस तरह मैं बेनती करांगा शब्दावली जरूर उस चीज नूं आपां जरूर कोखीए। गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां दी बाबरकियां दे नाल पहली टक्कर हुई, उत्थे शब्द गुरु ने जमदूत वरतिया। थोड़ा जा चलो एक गल होर कि अज मैं पता है 550 साल हिंदुस्तान च बड़ा जोर लगना है गुरु नानक साहब एक ही इनकलाबी थे, गुरु नानक साहब क्रांतिकारी थे, असी मक्खी ते मक्खी था, बाबा जी इनकलाबी। याद रखियो सब तो पहला इस गल नूं लैके तुरियो, मेरा गुरु नानक निरंकार दा साकार रूप मेरा रब है। यही कारण इनकलाबियां की गल करते करते बाबा जी कभी लेनन नाल जुड़ी जाणगे, कभी किसी होर समाज सुधारक नाल नहीं। एक गल जेन च लैके तुरियो सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा है गुरु नानक साहिब महाराज। हुण गुरु नानक साहिब दे सामने जो कुछ आया थोड़ियां जिहां मैं बेनतियां करा, साडे एक बहुत चंगे विद्वान सन मनोहर सिंह मारको, उन्हें बड़े व्यंग में लिखिया एक लिख चिट्ठियां लिख सतगुरां वल पाईयां। एक उहदी किताब सी निक्की जी हसमुख बाबा नानक, कहिंदा हसदिया हसदिया सब कुछ समझा गया ते मैं उहदे विचों तुहानूं कोई सांझा पाउण लगा आसा की वार चों। हसमुख हसदिया हसदिया क्या बंदे हो कम गलत जे, लोगों की नज़र च मजाक बनता सी वह मजाक च ही समझा गया। आओ थोड़ा जिहा असीं देखिए गुरु नानक साहिब की करदे आ। साडे घरां च अज भी ये मनौत है जी, मैं बेनती करांगा मर चुके दा श्राद करदे आ, हैना ते आपां कोई नहीं करना, याद रखियो। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाइया। साडी इस खास धार्मिक पेशकश की इत्थे ही समाप्ति हुंदी है। हुण मैनूं परमजीत सिंह नूं दिओ इजाजत, देश दुनिया दीआं वड्डीआं खबरां लई तुसीं इसे तरह बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।